हाई एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वेरी यू आर माई नेम इज पंकज सिंगरा एंड एज यू ऑल नो बी बनाव आई एम ए प्राउडर सर कहां थे आप सर इतने दिन हो गए सर आपका कोई सक्सेस स्टोरी नहीं आया सर हम तो थक गए सर इंतजार कर करके अरे भाई सर भी तो बीमार होते हैं सर को भी तो बुखार होता है तो कोई बात नहीं सर भी बीमार हो गए थे सर की तबीयत भी थोड़ी खराब थी और इसी करके सर थोड़े टाइम के लिए नहीं आ पाए। पाएस टूडे really आज मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स के लिए आया हूं मेरे सीए फ्रेंड्स बहुत और बहुत सारे सवाल करते थे कि सर सबकी सक्सेस स्टोरी ले जाते हो किसी ऐसे बच्चे की स्टोरी तो लेके आओ जिसने सीए करी और फिर ए करी जनाब उससे भी तो समझे ऐसे क्यों किया कैसे किया कहा रीजन माई फ्रेंड टूडे आई एम हियर विद अनदर स्टोरी स्टोरी ऑफ ए चार्ट अकाउंटेंट हुए फॉर द ग्रोथ एंड गॉट

और आप ये सारी डिटेल सबसे पहले जानो जो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना और उसको समझ के आगे चलना चलें देविका जी के पास बिल्कुल हाय देविका वेलकम थैंक्स फॉर हियर इट इज प्लेजर प्लेजर टू हैव यू हियर एंड मेनी थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर conversation थैंक यू वेरी मच सर फॉर फॉर here.

करने वाले हैं. हम पीछे पास्ट में हम आगे बढ़ी हमें सब समझना है हमें सब जानना है चलो देविका रिमाइंड करते हैं हम आपकी क्लास ट्वेल्थ में पहुंच गए आपने अपनी क्लास ट्वेल्थ क्लियर करी और ग्रेजुएशन शुरू करी अब आपने सीए साथ-साथ शुरू कर दी बेटे अह यस सर सो आई वाज अ कॉलेज टॉपर इन 11 12th एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद ग्रेजुएशन अलोंग विद ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड विद सीए सीपीटी आर्टिकलशिप आईपीसीसी एवरीथिंग टुगेदर वेरी गुड सो मान लेते हैं आपने 12th के बाद जब शुरू करी

नहीं नहीं आई वॉज जस्ट जो कि मुझे yeah. लगता नहीं <laughs> आपको कुछ पढ़ना है और मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है बट देविका एक बात जो मुझे समझ में शायद और डिटेल में समझनी है आपसे क्या आपने 2019 में सीए किया बहुत अच्छी बात है क्वालिफाई हो गया अब ए क्यों किया क्यों ए का डिसीजन कैसे आया मतलब वॉट रियली मेड यू चूज ए सी आई थिंक दैट्स दैट्स दोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन विच

Sure. so so uh, i think uh, it acca is a global qualification that everybody knows and that was the first thing that attracted me towards acca uh, the syllabus the syllabus is uh, on the same lines conceptually but the presentation or the method of examining is a, is a very different level and that's why i decided i want to explore my horizon more i want to uh, i want to get into the whole practical oriented examinations and uh,

शायद तो उन्हें लगता है कि ये करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं जहाँ बच्चे आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज में कैनेडा में ऑस्ट्रेलिया में मिडल ईस्ट में इनफैक्ट यू नो आई आई इंटरक्टेड ऑफ लेट विद स्टूडेंट जिसने सी uh, ए किया फिर ए सी सी ए किया एंड नाउ शी इज़ वर्किंग वन ऑफ द यू नो फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज जहां पे वो Uh, जो कभी सोचा नहीं था उसको डिलीवर कर पा रहे हैं सो so, आई you know, yeah. so, so, really uh, इसको ऐसे शायद पूछूंगा बिकॉज ये सवाल ना शायद काफी बच्चे जानना चाहेंगे कि एसी ही क्यों ग्लोबल कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं बेटा बट ही क्यों एसी, ही, एसी ही कैसे सर्कल डाउन हुआ आपसे uh, when i already have a ca degree with me i think acca was the best combination to uh, so that i don't have to commit myself to a lot of time i can uh, i can utilize the exemptions benefit in acca and i thought i can get a qualification in hand with a little bit less um uh, less you know um effort. Time that i have to effort and time both and it is accounting it is it is management and you have the broad syllabus which which is very uh, which is not niche it's not restricting you to one particular field or one particular practice absolutely and you know since you pointed out on exemptions एक point मैं बच्चों आप सब को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप qualified chartered accountant होते हैं तो thirteen exams जो ACCA के होते हैं उनके अंदर से nine exams exempt हो जाते हैं तो देविका आपको भी nine exams exempt हो गए होंगे और आपने सिर्फ four yes. exams दिए होंगे right yes absolutely

कि अब मैं सीए हो गई हूं मैं जॉब भी कर रही हूं एक फुल फ्लेज्ड जॉब भी कर रही हूं और मैंने एसीसीए को भी चुन लिया है मुझे एसीसीए भी कंप्लीट करने है तो ये कैसी जर्नी रही ये कितना टफ रहा कितना आसान रहा जर्नी इट टफ नो डाउट बट वेरी मच मैनेजेबल बिकॉज़ यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल यू हैव टू स्टार्ट विद विद 1 आवर 2 आवर कमिटमेंट ऑन अ डेली बेसिस एंड विद परसिवियरेंस आई थिंक इट कैन बी अचीव्ड if you if you have in your mind that by this month I need to finish this month of syllabus then come what may whether you have weekend working weekday working whatever how much of a commitment you have from work I think it's it's in your mind to give into that time and it's possible it's not impossible at all oh yes possibility पे तो कोई सवाल ही नहीं है जब इतने सारे बच्चे आज की रेट में क्वालिफाई करने लग गए हैं तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत हो ही सकती है but बच्चे मैं इसको ना शायद थोड़ा सा ना इस स्टैंड में समझना चाहता हूँ बच्चे ना घबराते भी हैं और जो बहुत लाजमी भी है और बहुत ऑब्वियस भी है कि देखो जब सी ए कर लिया मैं चाहता हूं मैं मैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं मैं चाहता हूं मैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाऊं मुझे ग्लोबल डिग्री लेने की इच्छा भी है बट क्या मैं उसको अपनी जॉब के साथ कर पाऊंगा क्योंकि अब तो मेरी जॉब फुल फ्लजेड है ऐसा कौन सा सीए है जो बिग फोर में काम करता होगा और बेचारा सुबह से लेकर शाम तक लगाना रहता हो

So, so if you start early, like I had started in the month of October, and I had given two papers in March. So I think I had enough of time uh, to dedicate on a weekend uh, weekend basis. And I had got around 10 days leave from office just before the exam also. So uh, I don't think CAs need to worry about, uh, you know, not being able to uh, remove time. I mean, I know full fledged job and all is in one side, but हो सकता है अब अगर किसी ने इस पे मेरे से सवाल किया तो बहुत जोर की पिटाई होने वाली है तो अब कोई सवाल नहीं करेगा इस बारे में ये सवाल यहाँ पे रिजोल्व हो जाता है एक सवाल हो देविका विच इज यू नो समी ऑफ द यू नो चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट हैवेज कि क्या ये कोर्स बहुत कॉस्टली है बिकॉज एक्सपेंस के स्टैंड पॉइंट से कैसा रहा आपके लिए आपको टप यू नो बिकॉज देखिए ये बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन होता है जहाँ पे मैं इनपुट वर्सेज आउटपुट अनालिस करना चाहता हूँ कि यू you नो know, मुझे वर्थ लगेगा सर मैं करूँ मैं इतनी मेहनत करूँ इतना यू you नो know, कितना पैसा लगेगा ये सवाल भी आता है तो यू नो फ्रॉम दी मॉनिटरी स्टैंड पॉइंट आप क्या बोलोगे i think it's an investment worthwhile uh, it has a lot of returns this acca membership is going to be with you for lifelong so for that this commitment of on day one is not a very big commitment according to me it's not costly at all compared to the benefits that you're, you're receiving i mean at the end of the day anywhere in the world you go you're going to be respected as an acca member so for that it's not such a big ask and compared to even other foreign qualifications uh, it's not a huge investment. This this qualification. I I tend to agree on that, and I I wish if somebody can do a comparison of various other international courses, they would get to know that ACC is expensive. Hai. And I tell you, and again, you know, just from the Fintram standpoint, and just for you also, Devika, to know. Fintram, you know, offers various scholarships also to qualified chartered accountants who wants to pursue ACCA, which again makes them, you know, make it, makes it very affordable uh, for chartered accountants, accountants to really look upon it. So that is again something that you should, you know, you as an individual and of course, students they should certainly have it in their mind that that is again a benefit to be extracted for. आगे देविका हम लोगों ने इस बारे में भी बात कर ली कि एक्सपेंस you know, के स्टैंड पॉइंट से आपको कैसा रहा कैसा फील हुआ बट मेरे को थोड़ा सा ना फैमिली के स्टैंड पॉइंट से भी समझना है एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली देविका कृष्णन ने फिर देविका बोलती है कि नहीं सर मुझे इसी से करनी है पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था हाउ वॉज लाइक फैमिली रिएक्टेड टू इट करनी है नहीं करनी है बिकॉज मैं जब गया अपने पेरेंट्स के पास कि पापा मैंने सी कर लिया अब मुझे ये करना है और मुझे वो करना है पापा वॉज लाइक वसकर अब और नहीं करना है Uh, for me, it was opposite. Actually, my dad supported <laughs> me the most for this uh, qualification. So a little <laughs> bit background into my uh, career. Um, I had taken a commerce with the intention of doing something global, and CA was not the first thing in my mind. So then circumstances came. I just took it, and by God's grace, CA got uh, done. But at, when I came to ACC, I think that was one thing that my dad supported me more than uh, more than for any other decision in my life that you know you do ACCA it's, in one year you'll get done with it and uh, and it will, it will really reap the benefits of all the hard work that I did in all these years if I can globalize myself with that one qualification so I got a lot of support for this so now... my friends my friends did ask me a lot that you know like you said why do you want to study more CA kar liya karna hai why do you want to do this but my family did support me the most for this तो मैं ना uh, हमारे चैनल के माध्यम से और ऑफ कोर्स यू नो जस्ट फॉर यू टू रियली यू नो हैव ए वर्ड विद फादर मैं इसके माध्यम से उन्हें थैंक्स कर देता हूं दैट यू नो ही हूँ रियली गाइडेड यू वेल एंड आई कैन टेल यू इफ इफ आई वुड यू नो रियली हैव टू गाइड माय चाइल्ड इफ ही टेक्स ऑन समथिंग लाइक दिस तो मैं भी उसको बिल्कुल यही गाइडेंस देने वाला हूं सो यू नो बैंग ऑन एंड आई एम थैंक्स टू यू नो ऑफ कोर्स यू कैन पास ऑन आवर रिगार्ड्स टू हिम बिकॉज दैट्स अगेन समथिंग दैट टू बी टू बी रियलिस्ट यू नो इफ इफ रियली फैमिली इज दैट सपोर्टिव इन दैट रिकार्ड देखिएगा थोड़ा सा ना हम सी ए वर्सिज एसी पर भी आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा सा रोशनी डालो कि कई बच्चे ना ऐसे भी सोचते हैं कि और मैं आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कहीं कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सी ए हो गई तो एसी से तो you know, कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं है सर आप चिंता ही मत करो कुछ भी नहीं है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं सी ए कर भी लिया तब भी बहुत मेहनत करनी है करना है you know,

It is somewhere in between, and again, it depends on the efforts that you put. You have to put efforts, no doubt. You have to have confidence on in your knowledge. You have to put efforts, and um, and if you devote enough time, it, it will happen. It's it's not like uh, something that you should not think about or you're worried about. I don't think that's the case. It's it's manageable, and um, you will get benefits from the efforts that you put. When you when you read the curriculum itself, you will get an interest. It interests you, and you feel like doing it more and more. You won't feel it like a burden that I have to study, and you know. Uh, for me, I did it more for the knowledge. I did not have the qualification so much in my mind than the happiness I got when I read those books and uh, and got a business-oriented approach uh, by, by from the curriculum. I think I I tend to I tend to completely echo your thoughts on this. Me, that ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मैंने सी कर लिया है और अब मेरा ए सी सी ए तो बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगा और मुझे सर आप चिंता ही मत करो एंड यू नो वॉट सर अच्छा मेरे पास ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं प्राइमरली यू नो हुन देर सी ए आई पी सी सी अब सी ए फाइनल या क्लियर नहीं हुआ या कर रहे हैं एंड सो ऑन सो सोफो देंट दे वॉन्ट टू परस्यू ए सी सी ए दे आर टाइम्स टेक्स ए सी सी ए वेरी लाइटली यू नो सर हम ये तो किया हुआ है ए सी से तो कुछ है नहीं एंड यू नो हम तो ये फटाफट कर लेंगे आप चिंता ही मत करो नहीं यू नो थिंग्स आर नॉट दैट हंकी डोरी थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा आपको यहां भी जैसे आप वहां स्कैनर करते हो पास्ट एग्जाम पेपर्स करते हो यहां भी करने पड़ेंगे भी आपको कंप्यूटर बेस्ड एनवायरमेंट को भी समझना पड़ेगा और फिर एग्जाम देना पड़ेगा इट्स नॉट अनकोट आई रियली वॉन्ट दैट साउंड वेरी क्लियर एंड आई रियली रियलिश वॉट यू जस्ट मेन्शन देविका दैट इज इट इज अड वे यू नो वाइल यू आई डोंट वॉन्ट टू डी यू की नहीं हो सकता है बिल्कुल नहीं है सारे बच्चों इतनी पढ़ाई करिए इतनी मेहनत करिए क्यों नहीं हो सकता है ये भी होगा बट एट द सेम टाइम वो जो एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा वो आपको नुकसान पहुंचाता है वो आपको पास नहीं होने देता है इस बात का भी ध्यान बिल्कुल और बिल्कुल और रख के चलना है मेहनत तो बच्चे करनी पड़ेगी देर आर नो फ्री लंचेस मैं लंच नो एम आई एम ट्राइंग टू शो केस दैट बिकॉज कई बारी लगता है हमें कि हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया ना आप तो यू you नो know,

is very 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 important and and just to tell you uh there go, and this is more to explain you about Fintram. You know, we uh, we work very hard on that in terms of giving that context to the students as to what they really need to know, what they really need to understand, and our, our curriculum that the way we teach is is just very practical oriented kind of a thing. What we deliver is, of course, the syllabus area sessions for the entire ACC curriculum. In addition to that, what we really intentionally work around with the student is the video question marathon or revision boot camp, as you may want to call it which effectively inculcates various questions that has come in previous exams और the exam question, जहां उसको लेता है खुद सॉल्व करता है स्टूडेंट के साथ समझाता है उसको कि आप क्या एग्जाम ट्रिक है इसकी क्या टेक्निक सॉल्व करने की, की क्या एक्सपेक्टेशन है चाइल्ड माइंड बिफोर बिकॉज अल्टीमेटली वही एग्जाम ट्रिक काम आने वाली है आपके पास जो बेस नॉलेज है वो तो है ही बट वहां पर कैसे उसको दट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट Definitely, sir. I mean, you need direction for this kind of course because you have not done something like this in your life. You don't, you have not heard of so many people mentioning how they do. You don't have a lot of resources. So, if you have a mentor, a professor in, uh, in this whole ACCA journey, it makes a lot of difference and it gives you the right path to achieve this dream of ACCA. Yes and to that i really want to invite uh, students to, you know to join the fintramps acca discussion forum that is the forum which is being mentored by various accas and of course various professionals in the industry

Uh, you know, uh, uh, खासतौर पर वो बच्चे पूछते हैं जो यू you नो know, जो सी ए कर रहे होते हैं अभी जिन्होंने सी ए क्वालिफाई नहीं किया होता सी ए आई पी सी सी क्लियर है और सी ए फाइनल में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो किसी कारणवश सी ए को भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या कुछ एक ऐसा ऐसा एग्जाम है जो सी ए में उन्हें you know, प्रॉब्लम दे रहा है जिस वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और काफी बार अटेम्प्ट दे चुके हैं वो बच्चे बहुत सारे एसीए करने की तरफ सोचते हैं यू you नो know, कि हम एसीए कर लेते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ एनी सजेशंस एनी थॉट्स दैट यू हैव ऑन देम एनी एनीथिंग दैट यू हैव हर्ड इन दैट लाइन दैट यू रियली वांट टू हाईलाइट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर ऑफ दिस कोर्स एंड आई डोंट हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड आल्सोWho are in the same situation that you uh, mentioned And I have also told them the same thing. If you do the same hard work that you uh, did for CA, don't get overconfident or underconfident. You know, this is a very good opportunity for you to uh, get get the qualification rather than waiting. You don't know when CA will happen. Maybe there is some paper you're stuck with because of which you're not able to clear, maybe because of aggregate. In ACCA, it is paper-wise. So you do well in one paper, you get that paper in your pocket and you go ahead. And that's the biggest difference I feel. And for people in this situation, ACC is definitely a very good option. You you take your time. You uh, you give one, multiple papers or one paper together. It's up to you. But the reins are in your hands to uh, get it done. You won't be. It, there's no chance that you know you'll be stuck at an aggregate or a group or you know all of those problems. I I think you know you're bang on on that. बिगेस्ट बेनिफिट अबाउट एसी की आप यहाँ पे ग्रुप सिस्टम नहीं होता है हमें चार पेपर नहीं देने हैं सब फोर्टी नहीं लाने हैं टोटल में फिफ्टी बनाने uh, so so हैं पे एक पेपर दिया एक पेपर क्लियर हो जाता है फिर दूसरा दिया दूसरा क्लियर हो जाता है एंड यू नो वन थिंगा बट दीस अबाउट ए सीसी अगर आपने सी ए आई पी सी सी क्लियर की होती है ना तो भी आपको एग्जामिशन देता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईपीसीसी क्लियर किया हुआ है तो भी आपके टोटल में सिक्स पेपर्स एग्जाम हो जाते हैं तो आपको थर्टीन में से सिक्स पेपर्स वहां एग्जाम कोई सीए फाइनल का ग्रुप दिया और उस फाइनल के एग्जाम में आपके फोर्टी प्लस मार्क्स आते हैं तो ये वो एग्जाम को भी एग्जाम कर देते हैं तो ऐसे भी बच्चे आते हैं सीए आई पी सी सी क्लियर जिन्होंने सी ए फाइनल के काफी सारे एग्जाम दे दिए और कहीं पे फोर्टी प्लस You know, उन तीन सब्जेक्ट्स में आ गया तो उनको भी नाइन पेपर की एग्जामेशन मिल जाती है तो आपको भी वो चार पांच या छे एग्जाम ही देने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए which is a big plus right because यू you know if you are able to do दैट then it is absolutely absolutely easy for you in terms of your journey and the time that you would spend because of a paper clear karke, you know karke do or clear karte chalo and you know you're there in terms of you know the qualification yes yeah, sir I, I think i was not aware of this in so much of nitty and thank you for throwing light on this uh, i did not know you know that if you get 40 in some paper also uh, you yes. can uh, you can avail the exemption and that's such a big advantage because there are so many people who have got 14 in some paper and they are not aware of this. or people actually came to me asking this question. but honestly I did not have so much knowledge on this. so it's a great thing that this is getting highlighted here and it will people a आपके lot. आपके हाँ आपके मान लेते हैं. हाँ आपके मान लेते हैं. जैसे I'm you know just highlighting that मान लेते हैं आपके accounting में 40 आ गए but आपका first group clear नहीं हुआ किसी भी current से कोई बात नहीं वहाँ अगर आपके 40 आ गए तो यहाँ आपका एक paper exempt हो जाएगा

which is something that everybody would want right right definitely sir this is a this is a very very big advantage and uh, it's a very great thing that the institute is recognizing the hard work of hard work of students who have cleared those respective papers or who have secured those respective marks in those papers इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड और कुछ आपको समझना है या कुछ जानना है या कहीं हेल्प चाहिए या कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए या आपका एक ऐसा केस है जहां आपको लगता है यू नो यू स्टिल नीड सम अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ रियली नोइंग आपको कितनी एग्जामेशन मिलेंगी कैसे मिलेंगी क्या प्रोसेस रहेगा फील फ्री टू रीच आउट आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक बिलो आप कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो इस वीडियो के एंड टीम विल बी रियली हैप्पी टू प्रोवाइड यू ऑल द सपोर्ट दैट यू मे नीड देविका अगर आपका कोई फ्रेंड या यू नो एज यू वर से आर स्ट्रगल

One, my knowledge also increased. My IFRS knowledge increased by studying the syllabus. So I was able to lead an engagement in a better manner after ACCA. And um, I, I got a promotion also. Uh, it is not only due to ACCA, but definitely in the appraisal, I was. Uh, this was mentioned as a plus point that I have completed ACCA also. So for me, I've already started seeing the benefits. My horizon has expanded. I'm more confident in my subjects now.

वो एक बहुत बड़ी चीज होती है वाइल उन्होंने मुझे ऐसा लिख के नहीं दिया मैन आई 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 कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई ही वुड नॉट हैव रिटन लाइक दैट बट इट मेंट यू नो इट इट मेंट्स अ लॉट बिकॉज़ यू नो आपको पता लगता है कि आपका एफर्ट रिकॉग्नाइज होता है और ये एफर्ट आपको एज देता है इंडस्ट्री में इन सम शेप ऑफ फॉर्मेट और अब तो बच्चे आप आप केपीएमजी में हो जब आप शायद बाहर जाओगे ना आई एम मोर टॉकिंग बीइंग एन इंडस्ट्री वेटरन फॉर सो मेनी इयर्स जब आप बाहर जाओगे तो आपकी इस क्वालिफिकेशन को ड्यू रिकॉग्निशन मिलता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ यू नो व्हाट हैव यू अर्नड एंड व्हाई हैव यू अर्नड ड्यू ड्यू रिकॉग्निशन मिलता है यस सर आई एवरी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर इयर्स ऑफ माय करियर यू नो विद दिस सीए क्वालिफिकेशन इन माय हैंड Yes, and for this we as FinTram and I as Pankaj Pankajinga wish you all the all the luck, Devika, and wish you a very, very, very bright career.

as professionals when we mentor somebody and when we see people succeeding in front of us that satisfaction is at another level and uh, and i also wish to all the very best for uh, for you know um, mentoring more and more people and um, improving the ACCA fraternity for the for everyone's good and thank you for giving me this opportunity sir and um, this conversation was really really uh, humbling for me so thank you Thank you very much, uh, Devika. It was pleasure having you here. Koi last suggestion, hai jo, students ko dena students before we really wrap up? I would just give one suggestion that uh, treat, this, treat this qualification and give this all you have, and I'm sure ACCA will be very rewarding for y'all. And, uh, and you know, you need a mentor for such qualifications because you, you haven't done something like this before. So, uh, you know, go to a mentor or, or take some mentorship, take some advice. <laughs> I'm here <laughs> for mentorship. And, of yeah. course, Devika <laughs> is also there. And, you know, yeah. I've been saying that a lot. You know, we as FinTram are always open for it. You know, whether it is a discussion forum, whether it is you want to reach out to me, whether it is you want to reach out to the entire team, you know, even Devika is available on LinkedIn, on various social media channels. You can reach out to her also for any support, any help you may need. And, Devika, pardon me if I'm saying it on, on your behalf. But I think that's the basic, basic thing which all of us as professionals would love to do, would love to deliver. So definitely, I'm already having a professionally mentoring CA students and I would love to even mentor ACCA students and give all that I can and all my knowledge, I would like to share it with the uh, upcoming batches. Awesome. Thank you very much, Devika. It was a pleasure having you here and I really, really thank you for taking your time. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you.